मैं आलम सर आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हूँ। हमारे यहाँ 11th 12th प्लस BSc सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 का ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों प्रकार से एडमिशन चालू है। आप लोग ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करें हमसे 62040 65581। ये हमारा पहला नंबर है, इस पर आप संपर्क करें हमसे अगर आप लोग जो ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं। जो ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे कोचिंग के पास हमारे कोचिंग में आकर के वो एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि आज हम 12th क्लास का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट चालू करने वाले हैं, और सॉलिड स्टेट इसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में हम ठोस अवस्था कहते हैं। तो ये ठोस अवस्था है, ये ठोस अवस्था यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 1। और ठोस अवस्था, पहली बात की ठोस अवस्था किसे कहते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है तो हम उसे ठोस कहते हैं। जैसे चेयर ले लो, टेबल ले लो, जिस कैमरा से हमने वीडियो बना रहे हैं वो कैमरा ले लो, जिस पर जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो ले लो, वो मतलब वो मोबाइल ले लो, जिस प्रकार से जिस वीडियो को आप देख रहे हैं मोबाइल में वो मोबाइल ले लो, सभी ठोस है। तो इसीलिए अब ज़्यादा कुछ समझाने की उतना कोई जरूरत नहीं, आप लोग कुछ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं ठोस किसे कहते हैं, आगे चलते हैं हम, कोई दिक्कत आप लोग को, आगे चलते हैं कि ठोस किसे कहते हैं। क्या ठोस किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं, अब इसका परिभाषा इसका थोड़ा सा लिख लेते हैं। आप लोग भी कॉपी में लिखते जाइएगा, फिर बाद में अगर आप लोग को तो क्लियर समझ में आता होगा क्योंकि हम देसी लफ्ज में पढ़ाते हैं, हम गांव देहाती लफ्ज में पढ़ाते हैं, हमें हर तरह का पढ़ाने हमें आता है, समझे, हमें हर तरह का बोलना हमें आता है ताकि स्टूडेंट को मैं क्लियर समझा सकूं। देखिए ठोस किसे कहते हैं, अब ठोस जो है पदार्थ की वह अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है तो हम उसे ठोस कहते हैं। क्या देखिए आप लोग देख रहे हैं ना, ठोस किसे कहते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है तो हम उसे ठोस कहते हैं। अब ठोस तो आप लोग समझ गए होंगे, अब द्रव की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आप लोग पानी H2O, क्या H2O हम जल को ले लेते हैं। तो जैसे पानी मतलब कि मान लीजिए 5 लीटर का डब्बा है, उसमें हम 3 लीटर पानी डालें तो पानी डालें तो उसने तो अपना आयतन तो उसने अपना छेक के रखा हुआ है जी, आयतन तो उसका है जी, उसका आयतन। और उसी डब्बा को अगर हम क्या कर देंगे, कलर देंगे तो पानी क्या बह जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है हम उसको कह सकते हैं, उनका परिभाषा भी उनका हम लिख देते हैं, लिखते हैं उनका परिभाषा उनका। से एग्जाम्पल पानी हम ले लिए, समझ रहे ना, समझ गए होंगे, पानी बह जाता है, क्या होता है लिक्विड, मतलब पानी
जैसे पानी को अभी यहाँ छोड़ेंगे, पानी वहाँ पर बह जाएगा। तो मतलब जो बह जो जाते हैं तो उसे हम लिक्विड कहते हैं। मतलब उसका आयतन क्या है निश्चित है, परंतु उसका आकार क्या है, आकार पानी का कोई आकार नहीं होता है। उसका आयतन हो सकता है लेकिन उसका आकार उसका होता ही नहीं है। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, उसका आकार निश्चित नहीं होता है। अब बात करते हैं इसका ठोस द्रव का, हम परिभाषा लिख लेते हैं। मतलब द्रव किसे कहते हैं? अब देखिए किस तो साफ साफ अंग्रेजी द्रव किसे कहते हैं। अब इसका परिभाषा कि पदार्थ की वह पदार्थ की वह अवस्था क्या पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है परंतु उनका आयतन निश्चित होता है, परंतु उसका आयतन निश्चित होता है। तो हम उसे क्या, तो हम उसे द्रव कहते हैं। ये आप लोग समझ में आप लोग आ गया होगा कि द्रव किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार निश्चित नहीं होता है परंतु उनका आयतन निश्चित होता है, तो हम उसे द्रव कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पे, गैस पे आधारित। तो गैस किसे कहते हैं आप लोग बता सकते हैं? देखिए वायु जो है हवा, हवा के अंदर भी 79% नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं, 20% उसमें ऑक्सीजन पाए जाते हैं, 1% कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह, मीथेन गैस वगैरह, मतलब बहुत सारे गैस मतलब 1% मतलब 1% के अंदर ही पाए जाते हैं। आप बात करते हैं गैस, तो गैस को तो हम देख नहीं सकते हैं, लंगी अपनी आंखों से गैस को देख सकते हैं? जी हम उसको नहीं देख पाएंगे उसको, क्योंकि उसका कोई उसका आकार नहीं होता है, कोई उसका आयतन उनका नहीं होता है। तो इसीलिए जो है जैसे आप मतलब कि आप गैस तो आप लोग मतलब हमेशा आप लोग यूज करते होंगे खाना बनाने में, मतलब और कुछ करने में, मतलब खाना बनाने वगैरह, खाना बनाने में जैसे कि आप लोग यूज करते होंगे वो गैस को, तो उस गैस को थोड़ा सा आप खोल के देखिएगा तो गैस 2-3 सेकेंड के अंदर आपको गैस पता चला गैस कहाँ वायु में सिमा गया गैस, समझ रहे हैं ना? तो गैस का आकार आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। अब बात करते हैं गैस पे आधारित जाते हैं आप, गैस किसे कहते हैं? गैस किसे कहते हैं? अब सवाल यहाँ पर उत्पन्न है, ये हो रहा है जो आपको पहले समझाए वैसी उसी चीज लिखना है। पदार्थ की वह अवस्था क्या, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार
सेव आइटम निश्चित नहीं होता है। कार्यवाहिता निश्चित नहीं होता है, क्या निश्चित नहीं होता है, तो हम उसे गैस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, क्या कहते हैं उसे हम, उससे हम गैस कहते हैं। तो बात यह है कि गैस किसे कहते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है तो हम उसे गैस कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, रुकिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये ठोस जो है, ठोस भी दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, ठोस भी दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस, एक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस मतलब इसके आधारित हम, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है समझ रहे हैं, इसके आधारित हम अगले वीडियो में इस काम क्लियर करेंगे। और ये क्वेश्चन अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसके आधारित, इसके मतलब आज हम यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं। मतलब कि इस पे जो है हम आपको अगले दिन वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे हम, ठीक, ओके।